और यहाँ पे सांगवान मेरे हिसाब से आ जाने चाहिए। ओके सो सांगवान और रेगेटो साथ में, यहाँ पे वाइपर दूर है तो देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। रेगेटोस और सांगवान की कॉम्बिनेशन पे रेगेटोस ने यहाँ पे स्कारिल से एक बंदे को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे हेड्रा का एक बंदा नॉकआउट होता है। टीम नंबर 13 के प्लेयर जो है 3v3 फाइट लेंगे अब मेरे हिसाब से सोल के अगेंस्ट। यहाँ पे फेयर फाइट होगी। यहाँ पे रेगेटोस ने स्पॉट कर लिया प्लेयर्स को। हेड्रा के प्लेयर सारे के सारे स्पॉट हो चुके रेगेटोस के द्वारा। यहाँ पे रेगेटोस के ऊपर शॉट आते दिख रहे, पर एक भी शॉट जो कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे रेगेटोस जो है काफी सेफ खेलते हुए और वाइपर के पास काफी बेहतरीन पोजीशन है। वाइपर आराम से अच्छा फ्लैंक करके यहाँ पे मार सकते हैं हाइड्रा के प्लेयर्स को। एक बंदा नॉकआउट था जो अभी रिवाइव हो चुका है, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। यहाँ पे फ्लैश है कि स्मोक है। ओके सो यहाँ पे स्मोक किया है जायरो गॉड, जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रा के जायरो गॉड है यहाँ पे। और यहाँ पे पीक करने का ट्राई करें, मेरे हिसाब से जायरो गॉड ही नॉकआउट हो गई। उनका हेलमेट पूरा फूट चुका है। यहाँ पे सांगवान और रेगेटोस पोजीशन पे नेड करने की ट्राई करेंगे, पर नेड जो है वो मेरे हिसाब से लैंड नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी दूर है नेड। ओके सो लैंड तो है वो काफी दूर होगा, पर देखते हैं बाकी की टीम्स की क्या सिचुएशन है। जोन क्लोजिंग होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एल्पोजो की तरफ हमें टीम नंबर 6 के प्लेयर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मॉन्टे की तरफ टीम नंबर 19 और टीम नंबर 21 के प्लेयर है, जो कि टीम नंबर 19 के प्लेयर जोन के लिए निकल चुके हैं। जोन जैसा कि देख सकते हैं शॉट खेलने चालू करने। यहाँ पे जायरो गॉड जो निकल चुके हैं। जायरो गॉड ने यहाँ पे सांगवान को स्पॉट किया है। यहाँ पे एक आध दो बुलेट यहाँ पे लैंड भी की गई है, पर देखते हैं यहाँ पे जायरो गॉड रश करते हुए दिख रहे। रेगेटोस ग्राउंड फ्लोर पे सांगवान। ओके सो नेड यहाँ पे बाउंस होकर गया मेरे सबसे, और काफी बढ़िया नेड था मेरे जायरो गॉड की तरफ से। जायरो गॉड यहाँ पे धीमे धीमे करके आ गया, तो यहाँ पे करने की ट्राई की, पर यहाँ पे एक 10 की एचपी रह जाएगी यहाँ पे जायरो गॉड की। तो देखते हैं यहाँ पे अब जायरो गॉड क्या करते हैं, क्या उनके टीम से यहाँ पे बैकअप आता है या फिर जायरो गॉड सोलो फाइट लेता है, तो देखना होगा हमें क्या होता है अब आगे। हाइड्रा के प्लेयर्स जैसा कि हम देख सकते हैं, रेगेटोस की तरफ से काफी बोल्ड मूव था। यहाँ पे जायरो गॉड यहाँ पे काफी लेते हुए दिख रहे थे, पर वो मुश्किल से अंदर चले गए, वरना रेगेटोस यहाँ पे नॉकआउट हो सकते थे। तो देखते हैं अब हाइड्रा के अगेंस्ट क्या होता है। यहाँ पे सोल के प्लेयर्स क्या करते हैं, अभी भी दो जो है वो चालू आ चुका है। तो हाइड्रा के सारे प्लेयर आ चुके हैं। हाइड्रा के एक बंदा नॉकआउट होता है, सांगवान ने काफी बढ़िया नॉक करते हुए दिख रहा है। क्या होगा, दो प्लेयर बाकी रहेंगे सांगवान और वाइपर। देखते हैं ये दोनों प्लेयर की तरफ से क्या देखने को मिला। क्या जायरो गॉड क्लच कर लेंगे यहाँ पे, एक बंदे को तो नॉकआउट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सांगवान को मारने की कोशिश, पर जो कि नाकामयाब होती है। और यहाँ पे सोल के प्लेयर ने 3v4 क्लच कर लिया है, काफी बेहतरीन। यहाँ पे अपने पूरी टीममेट को कहां तक कैरी कर पाएगा सोल, लेट्स सी आगे क्या होता है। यहाँ पे सोल के सांगवान ने 1HR के प्लेयर को सीधा का सीधा नॉक फिनिश कर दिया। यहाँ पे अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ओके दो बंदे को और भी दो बंदे को नॉकआउट किया है यहाँ पे। अब असैसिन बाकी रहेंगे और स्वैगी बाकी रहेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे 1HR के बाकी के प्लेयर्स क्या करते हैं। यहाँ पे सांगवान और रेगेटोस जो क्लोजिंग करने की तैयारी करते हैं। यहाँ पे सांगवान जो है काफी आगे आ चुके हैं, स्वैगी को स्पॉट करके यहाँ पे नेट कुकिंग करते हुए, और इसी के साथ देखते हैं आगे क्या हो रहा है। यहाँ पे सांगवान जो है परफेक्टली कुक नेट थ्रो करने की ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे नेट क्या देखते हैं, नेट कुछ कर पाएगा, पर नेट थोड़ा बहुत दूर रहेगा यहाँ पे और कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे वाइपर जो है काफी बढ़िया फ्लैंक पे हमें जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे रेगेटोस और सांगवान जैसे कि हम देख सकते हैं काफी बढ़िया प्रेशर डालते हुए दिख रहे बाकी के दोनों प्लेयर्स के ऊपर, और वाइपर यहां से फ्लैंक करते हुए दिख रहे जैसा कि हम देख सकते हैं। और इसी के साथ सांगवान ने असैसिन को भी नॉकआउट कर दिया। अब एक लास्ट प्लेयर बाकी रहेगा स्वैगी, जिसके ऊपर रश आता हुआ दिख रहा है। रेगेटोस यहां पे आ चुके, देखते हैं यहां पे रेगेटोस फिनिश कर पाएंगे कि नहीं। रेगेटोस को नॉकआउट किया, पर यहां पे सांगवान को नॉकआउट नहीं कर पाएंगे और सांगवान यहां पे रेगेटोस टॉस के रिवाइव करने के लिए आ जाएंगे। और बैकअप काफी बढ़िया बैकअप हमें सांगवान की तरफ से देखने को मिला, और 8 किल ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे। सोल के ने थर्ड पार्टी कर दिया आईएनडी को, और आईएनडी वाइपर होते दिख रहे, और सोल के प्लेयर्स भी हमें मरते हुए दिख रहे हैं। सोल के दो बंदे, एक बंदा फिनिश हो चुका है, वाइपर नॉकआउट है, सांगवान बाकी रहेगा। लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीम सोल सांगवान, देखते हैं 12 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं यहाँ पे, शॉट आते हुए दिख रहे हैं। और एक ऑलमोस्ट रिवाइव हो चुके वाइपर पर, यहाँ पे रिवाइव जो छोड़ दिया उन्होंने, और यहाँ पे सांगवान की हाफ एच पी हो चुकी है, जो कि शॉट लेता हुआ दिख रहा है। बहुत सारी टीमों की तरफ खेल रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे प्लेयर्स। क्या इंटरेस्टिंग हमें गेम प्ले देखने को मिल रहा है। सारे गेम प्ले की तरफ हम लास्ट जोन की तरफ बढ़ते हैं। सोल के वाइपर को नॉकआउट कर दिया, ईएट का प्लेयर जो है काफी बेहतरीन खेलता है। सांगवान भी शॉट होते दिख रहे, और इसी के साथ ईएट के प्लेयर ने सोल को पूरा का पूरा फिनिश कर दिया है। 8 किल हो चुके हैं, और यहाँ पे सोल वाइपर होती है 7th पोजीशन पे, तो काफी बढ़िया खेला सोल ने। तो लेट्स सी अब आगे स्क्वाड फिनिश कर देंगे। एक लास्ट बंदा बाकी रहता है हाइट के दर से, प्रोटोटाइप। अब
हो चुका है 1v1v3v5 यहां पे टीम नंबर 8 के प्लेयर देखते हैं क्या करेंगे 1v1v2 फाइट हो चुका है चार बंदे बाकी तीन टीम बाकी है तो यहां पे एक के प्लेयर के करंट के ऊपर काफी सही गेम जाता हुआ दिख रहा है क्योंकि अब 1v2 हो चुका है हाइप वर्सेस टीम नंबर 8 सो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए अब आगे क्या प्लेयर यहां पे स्पॉट करते हुए दिख रहे हैं प्रोटोटाइप को और यहां पे जैसा कि देख सकते हैं प्रोटोटाइप जोन का फर्स्ट एड बैटल ओके सो यहां पे हिल बैटल करने का ट्राई कर रहे हैं यहां पे प्रोटोटाइप टीम फर्स्ट एड है उनके पास और इसी के साथ यहां पे करंट भी जोन में आ जाएंगे और टीम नंबर 8 के प्लेयर भी जोन में आ जाएंगे तो प्रोटोटाइप मेरे हिसाब से हिल बैटल उनकी जो है वो वेस्ट हो जाएगी अब अगर यहां पे वो गेट को मारने में कामयाब होते हैं तो ही अगर उन, तो ही उनकी हिल बैटल कामयाब आ सकती तो स्लेयर को यहां पे स्पॉट कर लिया स्लेयर यहां पे शॉट लेते हुए दिख रहे हैं यहां पे देखते हैं करंट सबसे पहले उसके स्लेयर स्पॉट हो चुका है पे करंट ने काफी बढ़िया किया और इसी के साथ यहां पे स्लेयर का किल जो पिक ऑफ कर लिया प्रोटोटाइप जो ओवर का किल बाकी देखा इसी के साथ यहां पे करंट ने जो चिकन डिनर ले लिया है भाई क्या ही खेले है यहां पे करंट भाई 1v4v3 फाइट में उन्होंने अकेले चिकन डिनर लेने के लिए कामयाब रहे भाई भाई साहब क्या खेले है यहाँ पे करंट और अपनी टीम को चिकन डिनर की तरफ लेके गए हैं वो यहाँ पे 1v4v3 फाइट में इनवाइटेड टीम सारी की सारी प्रो टीम पीएमसीओ क्वालिफाइड टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने 1v4v3 क्लच कर दिया और अपनी टीम को चिकन डिनर की तरफ ले गए भले उनके इतने किल्स नहीं थे फिर भी